नमस्कार दोस्तों, विवेक डॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक कुमार। मेरे पास है यहाँ पर सैमसंग के दो सेट, एक है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F12, दूसरा है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A12। और मैं आज करने वाला हूँ यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का फुल कंपैरिजन, और हम देखेंगे क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के डिज़ाइन की, और डिज़ाइन में बात करें यहाँ पर बॉडी की, दोनों ही फ़ोन यूनिबॉडी के साथ आते हैं। प्लास्टिक बैग दोनों ही फ़ोन में है। थिकनेस की बात करें तो F12 की थिकनेस है यहाँ पर 9.7 mm, वहीं A12 की थिकनेस है 8.9 mm। सर, दोनों ही फ़ोन के राइट साइड में पावर और वॉल्यूम की है, और फिंगरप्रिंट आपको मिल जाता है। टॉप पर दोनों ही फ़ोन में आपको मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन माइक। साथ ही बात करें लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर है दोनों ही फ़ोन का सिम एजेक्टर, सिम ट्रे। और बॉटम साइड में यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का आपको मिल जाता है स्पीकर, माइक, चार्जिंग जैक और ईयरफोन जैक। दोनों ही फ़ोन टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, और फास्ट चार्जर को भी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में नहीं है, केवल थिकनेस का है। दूसरा डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, ये है बैक साइड में। A12 और F12 दोनों ही फ़ोन का जो बैक है वो प्लास्टिक का है, लेकिन यहाँ पर जो पैटर्न है दोनों ही फ़ोन का बैक का, वो एकदम डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कैमरा सेटअप, हालांकि दोनों ही फ़ोन का स्क्वायर कट क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस केवल यहाँ पर बैक पैटर्न में है। आप देख पा रहे होंगे F12 में जो लाइनिंग है वो स्ट्रेट है, जबकि A12 में आपको 1/3 एरिया में लाइनिंग मिलेगी, जबकि उसका जो 25% एरिया है वो यहाँ पर एकदम फ्लैट ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको मिलता है, हालांकि मैटी ग्लॉस है। और ये दोनों ही फ़ोन पर सैमसंग की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो अब यहाँ पर कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन को बूट, और देखते हैं इंटरनल क्या क्या डिफरेंस आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिलते हैं। डिज़ाइन में यहाँ पर F12 का बैक साइड अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा थिकनेस वहाँ पर A12 से ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही फ़ोन हो चुके हैं बूट, और सबसे पहले बात करें डिस्प्ले साइज़ की, तो 6.5 इंच का HD+ IPS डिस्प्ले आपको दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आता है इन्फिनिटी वी के साथ में। सैमसंग इन्फिनिटी वी बोलता है, हालांकि नॉर्मल ये वाटर ड्रॉप नॉच है। तो डिस्प्ले में यहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी बात करें दोनों ही फ़ोन के क्विक पैनल की, तो वहाँ पर देख लेते हैं क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ही फ़ोन के क्विक पैनल में। तो ये है यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का क्विक पैनल, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्विक पैनल में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी फ़ीचर्स की अगर बात करें वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, आप देख पा रहे होंगे वाईफाई, स्पीकर, ब्लूटूथ, फ्लाइट मोड, पावर सेविंग मोड, मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ब्लू लाइट फिल्टर आपको दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही नियर बाई शेयर का ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है एक आपको अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, जो कि A12 में दिया हुआ है, वो यहाँ पर F12 में नहीं है। और अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड के साथ में है डॉल्बी एटमॉस, ईयरफोन में वर्क करता है, और ये भी आपको F12 में देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पर है ये फोकस मोड, जो कि आपको A12 में दिया हुआ है, ये भी F12 में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हैं कुछ A सीरीज के दो तीन अच्छे अच्छे फीचर्स, जो कि आपको F सीरीज और M सीरीज में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। बाकी और कोई डिफरेंस यहाँ पर क्विक पैनल में दोनों ही फ़ोन के में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के हार्डवेयर की, तो चलते हैं दोनों ही फ़ोन के अबाउट फोन सेक्शन में, और देखते हैं हार्डवेयर क्या कहता है दोनों ही फ़ोन का। तो ये है दोनों ही फ़ोन का अबाउट फोन सेक्शन, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मॉडल नंबर सबसे टॉप पर लिखा हुआ है गैलेक्सी F12 और गैलेक्सी A12। और सॉफ्टवेयर के लिए, हार्डवेयर के लिए हम चलते हैं दोनों ही फ़ोन के सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और देखते हैं क्या हार्डवेयर आपको वहाँ पर दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये दोनों ही फ़ोन का सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले A12 में 1 UI का वर्जन 2.5 इनबॉक्स आपको दिया हुआ है, जबकि F12 में है 1 UI का वर्जन 3.1, जो कि एकदम लेटेस्ट है। OS की यहाँ पर बात करें तो A12 में है एंड्रॉयड 10, वहीं F12 में आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 देखने के लिए मिलता है इनबॉक्स में। साथ ही बात करें दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर की, तो A12 में आपको मिलता है हीलियो का P35 octa-core प्रोसेसर, वर्क करता है 12 nm टेक्नोलॉजी पर। साथ ही पावर VRG8320 है GPU, और 464 और 4128 के दो वेरिएंट में आपको मिलता है। वहीं F12 की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक्जिनोस का 850 octa-core प्रोसेसर, ये वर्क करता है 8 nm टेक्नोलॉजी पर, और यहाँ पर GPU है Mali G52, और ये भी सेम 464 और 4128 के दो वेरिएंट में आपको मिल जाता है। तो ये है यहाँ पर हार्डवेयर, और कंपेयर करें दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर से यहाँ पर, तो F12 का जो प्रोसेसर है वो यहाँ पर हीलो P35 के प्रोसेसर थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलता है। साथ ही दोस्तों, बात करें दोनों ही फ़ोन की बैटरी की, तो ये है बैटरी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे F12 में 6000 mAh की बैटरी है, वहीं A12 में 5000 mAh की बैटरी आपको दी हुई है, यानी कि बैटरी बैकअप F12 का थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसीलिए वो थोड़ा वेटेड है, और थिकनेस भी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये दोनों फ़ोन के UI फीचर्स आप देख पा रहे होंगे, अबाउट फोन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, जनरल मैनेजमेंट, और ये है यहाँ पर इनका डिवाइस केयर का ऑप्शन,
और इंटरनल मेमोरी यहाँ पर 64 GB में से दोनों ही फ़ोन में 16 GB भरी हुई है, लेकिन रैम यहाँ पर A12 की 1.2 GB भरी हुई है जबकि F12 की 1.8 GB रैम भरी हुई है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन के इंटरनल रैम मैनेजमेंट में। बाकी रैम मैनेजमेंट अच्छे से देखने के लिए आप स्पीड टेस्ट देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है। साथ ही ये है यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स, साइड की का ऑप्शन आपको दोनों ही फ़ोन में मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो ये सैमसंग का बनी हुई 3.1 का पार्ट है जो अभी A12 में नहीं है। बाकी स्मार्ट पॉपअप व्यू का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे F12 में नहीं है। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी F12 में यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। डायरेक्ट शेयर भी आपको F12 में देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही रिड्यूस एनिमेशन का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपको F12 में नहीं मिलेगा। ये है कुछ मोशन जेस्चर, यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, ये एक फीचर्स जो F12 में ज़्यादा है। बाकी सारे फीचर्स यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में एकदम सेम है, चाहे वो फिंगरप्रिंट जेस्चर हो, इजी म्यूट, स्मार्ट अलर्ट। बस केवल जो UI 3.1 में नाम इनके थोड़े से चेंज कर दिए गए हैं, बाकी फीचर्स यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में सेम है। बाकी गेम लॉन्चर दोनों ही फ़ोन में है, डुअल मैसेंजर यानी कि दो फेसबुक दो व्हाट्सएप चलाने का ऑप्शन दोनों ही फ़ोन में आपको दिया हुआ है। साथ ही अकाउंट और बैकअप, लोकेशन, प्राइवेसी, लॉक स्क्रीन, बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर फिंगरप्रिंट और फेस लॉक अवेलेबल है। दोनों ही फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट है वो साइड में ही दिया हुआ है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस किस फ़ोन की ज़्यादा अच्छी आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में इनरोल कर लिए हैं फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक। अब बारी आती है परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं किस फ़ोन का फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। पहले फेस लॉक यहाँ पर चेक कर लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे F12 का जो फेस लॉक था वो थोड़ा जल्दी हुआ, और इस बार भी यहाँ पर F12 का फेस लॉक थोड़ा जल्दी अनलॉक हुआ है और A12 फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है साइड कैमरा स्टैंड की वजह से। इस बार A12 जल्दी अनलॉक हुआ है और इस बार फिर से F12 जल्दी अनलॉक हुआ है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, A12 जो है मेरा फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। बाकी स्पीड मैंने यहाँ पर वीडियो से अलग हटा कर देखी, दोनों ही फ़ोन एक साथ आपके फेस को अनलॉक सॉरी आपको फ़ोन फेस से अनलॉक कर देते हैं। अब बात करें फिंगरप्रिंट की, तो वहाँ पर भी चेक कर लेते हैं किस फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है फिंगरप्रिंट में। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों ही फ़ोन फिंगरप्रिंट में भी एकदम कमाल का वर्क कर रहे हैं, जस्ट वन टैप और दोनों ही फ़ोन फटाफट और इजीली यहाँ पर अनलॉक हो रहे हैं। तो फिंगरप्रिंट और फेस लॉक की परफॉर्मेंस में दोनों ही फ़ोन में कोई खास डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये था यहाँ पर दोनों ही फ़ोन का सिक्योरिटी फीचर्स यानी कि बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा दोनों ही फ़ोन का डिज़ाइन, यहाँ पर F12 का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा अच्छा था लेकिन थिकनेस ज़्यादा थी और थोड़ा वेटेड था। वहीं डिस्प्ले में कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन के में नहीं है। और हार्डवेयर की अगर बात करें तो प्रोसेसर यहाँ पर F12 का A12 से थोड़ा सा बेटर आपको मिलता है। बाकी ये है यहाँ पर लॉक स्क्रीन, थीम, वॉलपेपर, डिस्प्ले, नोटिफिकेशन, साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पर कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात ये आती है दोनों ही फ़ोन के कैमरे की, तो दोस्तों कैमरा यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में सेम 48 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर एफ वैल्यू आपको मिल जाती है 2.0। और फीचर्स की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में सेम है। मैंने M12 का कंपेरिजन ऑलरेडी किया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। और M12 और F12 के कैमरे में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वहाँ यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एक यहाँ पर अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन, फ्लैश का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर। साथ ही दोनों ही फ़ोन में आपको टाइमर का ऑप्शन है, स्क्रीन साइज का ऑप्शन है और ये फेस और फिल्टर्स, ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। साथ ही ये दोनों फ़ोन का पोर्ट्रेट मोड, बैकग्राउंड की ब्लरनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। साथ ही स्क्रीन स्मूथनेस का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिल्टर्स दोनों फ़ोन में पोर्ट्रेट मोड पर नहीं मिलेंगे। ये है वीडियो रिकॉर्डिंग मोड, और वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही फ़ोन में। फ्लैश का ऑप्शन भी है, साथ ही फ़िल्टर्स और ब्यूटी मोड दोनों ही यहाँ पर वर्क करेंगे आपके। और बात अगर करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो वहाँ पर चेक कर लेते हैं वहाँ पर कोई डिफरेंस है या नहीं। तो फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे 30 FPS पर दोनों ही फ़ोन में। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन के वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं है। लास्ट ऑप्शन है मोर का, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सेम फीचर्स हैं, डेकोपिक प्रो, पेनारोमा, फूड और मैक्रो का ऑप्शन। तो यहाँ भी कोई डिफरेंस दोनों ही फ़ोन के फीचर्स में नहीं है। तो दोनों ही फ़ोन का सेम कैमरा है और सेम फीचर्स हैं। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है F12 में। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, सबसे पहले पोर्ट्रेट मोड, बैकग्राउंड की ब्लरनेस को एडजस्ट करने का ऑप्शन, वाइड सेल्फी का ऑप्शन, साथ ही स्क्रीन स्मूथनेस का ऑप्शन है, फ्लैश का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है। ये है मेन फोटो मोड, यहाँ भी वाइड सेल्फी का ऑप्शन है। यहाँ पर आपका स्क्रीन स्मूथनेस के साथ फिल्टर्स का ऑप्शन ऐड हो गया है, फ्लैश का ऑप्शन भी है, टाइमर का ऑप्शन भी है। वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD तक का यहाँ भी आप कर पाएंगे, साथ ही यहाँ भी आपको फ़िल्टर और फेस दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पर केवल डेको पिक का ऑप्शन वर्क करेगा, बाकी ये चारों ऑप्शन फ्रंट पर वर्क नहीं करेंगे।
अब बारी आती है A12 के फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट कैमरा यहाँ भी जो है वो 8 मेगापिक्सल का ही है। फीचर्स देख लें तो कुछ डिफरेंस है, यहाँ सेम है। तो ये है लाइव फोकस, यहाँ पर भी बैकग्राउंड की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं आप। वाइड सेल्फी का ऑप्शन है और स्क्रीन स्मूथनेस का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। साथ ही नेक्स्ट फोटो मोड, यहाँ भी वाइड सेल्फी का ऑप्शन, फ्लैश, फिल्टर्स, फेस यानी कि ब्यूटी मोड और टाइमर का ऑप्शन है। यह है वीडियो रिकॉर्डिंग, यहाँ भी आपको फिल्टर और फेस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहाँ भी आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर, यानी फ्रंट और बैक दोनों साइड पर आप फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको मोर में भी डेको पिक का ही ऑप्शन यहाँ पर भी वर्क करेगा A12 में भी। तो दोनों ही फ़ोन का सेम कैमरा सेटअप है, सेम फीचर्स हैं, कोई 0% भी डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही फ़ोन के कैमरे में आपको नहीं दिखेगा। अब बारी आती है प्राइस की। तो देखिए दोनों ही फ़ोन में सेम वेरिएंट है 464 और 4128, लेकिन प्राइस का काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर A12 का 464 आता है 12,999 का, वहीं F12 का 464 आता है 10,999, यानी कि 2,000 रुपये का डिफरेंस आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में देखने के लिए मिलता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस ये है A12 ऑफलाइन मार्केट का सेट है, जबकि F12 आपका ऑनलाइन मार्केट का सेट है। बस इसी का डिफरेंस है यहाँ पर कि 2,000 रुपये सस्ता आपको मिल जाता है। बाकी दोनों ही फ़ोन का दूसरा वेरियंट है 4128, और 4128 A12 का है आपका 13,999 यानी कि 14,000 रुपये का, वहीं F12 का है 11,999 यानी कि 12,000 रुपये का। तो दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर भी 2,000 रुपये का डिफरेंस आपको मिलता है। बाकी बात करें डिफरेंस की तो मैंने आपको दिखाए थे कुछ डिफरेंस, नोटिफिकेशन पैनल में फोकस मोड और क्विक शेयर का ऑप्शन था और डॉल्बी एटमॉस था, ये कुछ फीचर्स थे जो कि F12 में नहीं थे। बाकी F12 भी हार्डवेयर के हिसाब से काफ़ी अच्छा सेट है, हाँ थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा है। तो ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी F12 और A12 के बीच फुल कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।